हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी द लॉस्ट चाइल्ड। यह कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है। और यह मेला बसंत ऋतु में लगाया गया था। और जब वो लोग सकरी सकरी गलियों की छाया से बाहर निकल करके जा रहे थे मेला देखने, तो उसमें कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ लोग बांस की बनी हुई छोटी छकड़ा गाड़ियों में बैठे हुए थे, जिसे हम बैलगाड़ी भी कहते हैं। बैलगाड़ी के पीछे एक कार्ट जो होती है उसमें बैठ करके जा रहे थे, जो बैम्बू से बनी हुई होती है। यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जो अपने पिता के साथ और माताजी के साथ मेला देखने जाता है। उसके पेरेंट्स जो हैं उसे कहते हैं, आओ बच्चे आओ। लेकिन वह जब मेला देखने जा रहा होता है तो उसे काफ़ी सारे टॉयज दिखाई देते हैं, खिलौने दिखते हैं, जिन्हें देख करके वह फैसिनेटेड हो जाता है, यानी उसे बहुत अच्छा लगता है खिलौनों को देखना। फिर वह दौड़ करके अपने पापा मम्मी के पास चला जाता है। और लेकिन उसके मन में उन्हीं खिलौनों को देखने की इच्छा अभी भी बनी रहती है और वह बार बार उन खिलौनों को पीछे मुड़ करके देखता रहता है। फिर वह अपनी इच्छा बताता है कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे तो वह खिलौना चाहिए। लेकिन वह खिलौना उसे मिलता नहीं है, बल्कि बदले में उसके जो उसे रेड आइड जो आंखें हैं अपने पापा की वो दिखाई देती हैं, उसके फादर की जो लाल लाल आंखें थी जैसे कि हमेशा उनकी रहा करती थी। His mother melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold. उसकी माँ उसे उंगली पकड़ करके कहती है, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। वह पिघलते हुए पीले सोने की भांति फूलों का पीला सरसों का खेत था। उसकी मम्मी ने जो उसे खेत दिखाया वह एक पीली सरसों का खेत था जो काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। उस खेत में बड़ी वाली मक्खियों का एक झुंड जो था वह वहाँ पर उसने देखा, जो उसके झुंड की जो मक्खियाँ थी उसके पंख बैंगनी कलर के थे और वह झुंड हलचल कर रहा था, इधर उधर वो मक्खियाँ चल रही थी। किसी अकेली काली मक्खी या तितली ये सब मिलकर के फूलों वाले शहद की तलाश में थे। बच्चे ने देखा हवा में और उनका पीछा किया, जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को शांत करके आराम से जब तक नहीं बैठ जाती वह उनको पकड़ने की कोशिश करने लग जाता। और एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और हमेशा इसे पकड़ने के लिए कोशिश करता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर, लेकिन वह मक्खी क्या करती, आराम से ऊपर फ्लटर कर जाती, फ्लैप करती, यानी अपने पंखों को फड़फड़ा करके ऊपर हवा में उड़ जाया करती। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, और उसे लगता कि उसने पकड़ ही लिया, लेकिन तब तक तो वह मक्खी हवा में उड़ जाती थी। फिर उसकी माँ उसे कहती है, आओ बच्चे आओ, अब आज चलते हैं। और वह उन अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे भाग करके चला जाता है, लेकिन जल्दी फिर से रुक जाता है और धूप का वह मज़ा लेना चाहता है। फिर से उसके पेरेंट्स कहते हैं, कम चाइल्ड कम। और फिर वह जब उसके कुएं के कोनों पर उसके माता पिता उसे दिखाई देते हैं बैठे हुए, भाग करके वह वहाँ चला जाता है। जैसे ही वह झुंड में दाखिल होता है तो नन्हे फूलों की बौछार बच्चों पर पड़ती है और उसके पेरेंट्स को भूलकर वह अपने हाथ में जो उसके फूल गिर रहे हैं, फूलों की पंखड़ियाँ जो पेटल्स गिर रही होती हैं, उन्हें इकट्ठा करने में लग जाता है। परंतु यह क्या, उसे एक डव की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी कुकू की आवाज़ उसे सुनाई देती है। द डव द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो फूल थे उसके हाथ में वो
गिर जाते हैं। जैसे उसे फाख्ता की आवाज़ सुनाई देती है, डव की आवाज़, कूकने की जो उसे आवाज़ सुनाई देती है, तो चिल्लाते चिल्लाते वह अपने माता पिता के पीछे पीछे दौड़ करके चला जाता है। फिर से उसके पापा मम्मी कहते हैं कि आओ बच्चे आओ। उन्होंने बच्चे को पुकारा और जो कि अब जंगली अठखेलियाँ कर रहा है और करते हुए बरगद के वृक्ष के आसपास दौड़ रहा था। जंगली अठखेलियाँ यानी जो पेड़ होता है बरगद का, उसके चारों तरफ दौड़ दौड़ कर वह खेल रहा था और वे उसे गोद में उठा करके भीड़ी घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े। पगडंडी क्या होती है? एक छोटी स्ट्रीट होती है जिस पर वो चले जाते हैं और यह जो रास्ता था मेले में जाने का, ये सरसों के खेत के रास्ते के बीच से होकर के जाता था जो उन्हें मेले पर लेकर के गया। जब वे गांव के पास पहुँचे तो बच्चा बहुत सारी पगडंडियों को देख सकता था, यानी स्ट्रीट्स थी काफ़ी सारी और फुटपाथ थे वहाँ पर, और जो जहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि आप जानते हो कि मेले में बहुत सारी भीड़ होती है। और कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और पूरा एक झुंड बना हुआ था मेले में, जैसे वर्लपूल होता है या भंवर जिसे हम बोलते हैं, वो सब शोर शराबा और ऐसा मेले का बड़ा उसे आकर्षित कर रहा था, ये सब फैसिनेटेड हो रहा था वह मेले को देख करके। ए स्वीट मीट सेलर हॉक, तभी मिठाई बेचने वाले की आवाज़ आई जो ये कह रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी और जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और वहाँ पर जो मिठाइयाँ थी उन्हें काफ़ी सजाया गया था, उन पर वर्क लगाया गया था, लीव्स ऑफ सिल्वर यानी वर्क होता है चांदी से बनता है, जो पन्नी चढ़ा दी जाती है मिठाई को सुंदर दिखाने के लिए, सभी मिठाइयों पर वह सुंदर तरीके से उसकी सजावट की गई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे बर्फी चाहिए, उसके मुंह में पानी आ गया और वह उसने धीरे से स्लोली मरमर्ड यानी धीरे से वह बड़बड़ाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ले वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, उसे पता था उसके पेरेंट्स उसे ग्रीडी कहेंगे, लालची कहेंगे, इसलिए उसकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा और उसे मिठाई नहीं मिलेगी। इसलिए एक बार उसने जब मिठाई मांगी तो फिर वह चुपचाप बिना इंतजार किए आगे चला गया, क्योंकि वह जानता था कि मिठाई उसे मिलने वाली नहीं है। तभी उसे एक फूल वाले की आवाज़ सुनाई देती है, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। तब बच्चा बिना विरोध के उसकी तरफ भी आकर्षित हो जाता है, फिर से वह फैसिनेट हो जाता है। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, और वो फूलों की बास्केट की ओर चला जाता है, लेकिन अब भी उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसे माला लेने नहीं देंगे, इसलिए फिर से वह चुपचाप बिना वेट किए, बिना आंसर का वेट किए मूव्ड हो जाता है, मूव कर जाता है। तभी एक उसे व्यक्ति दिखता है जो बांस लिए खड़ा है और उस पर पीले, लाल, हरे सभी कलर्स के येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स जो हैं वो उसे दिखाई देते हैं और उसे ये सब रेनबो कलर के दिखते हैं, तो उसे फिर से मन में आ जाती है कि ये सभी मैं खरीद लूं। लेकिन बट ही वेल न्यू, उसे पता था कि हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, उसे कभी भी ये खरीद कर नहीं दिया जाएगा। तो फिर वह आगे बढ़ जाता है और उसको फिर से गुब्बारों को छोड़ करके आगे जब चलता है तो उसे एक सपेरा बीन बजाते हुए दिखाई देता है, जिसकी बास्केट में एक स्नेक होता है और कुंडली मार करके वह बैठा हुआ होता है और उसने अपना सांप उठा रखा है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू इट्स विजिबल ईयर्स, इनविजिबल ईयर्स, आपको पता है कि सांप के कान नहीं होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। द चाइल्ड वेंट टू वॉच द स्नेक चार्मर, तब वह
सपेरे के पास जाता है, लेकिन बट नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स ने ऐसे घटिया संगीत को सुनने से मना कर रखा है। इस तरह का जो म्यूज़िक है, कोर्स म्यूज़िक यानी घटिया म्यूज़िक जो है, उसके पेरेंट्स ने उसे सुनने से मना किया था, तो वह और आगे चला जाता है। वहाँ पर एक गोल झूला उसे दिखाई देता है और जो था राउंड अबाउट था, यानी लगभग गोल सा था। मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, वहाँ पर काफ़ी सारे उसे बच्चे, वुमन एंड मैन दिखाई दिए और वो सब झूल रहे थे, हंस रहे थे। और उनको उस बच्चे ने देखा, तभी उसका मन किया कि मुझे भी घूमना है, और उसने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं झूलना चाहता हूँ, लेकिन उसे नो रिप्लाई, वहाँ से भी नो रिप्लाई मिलता है। फिर ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को देखने के लिए मुड़ा, लेकिन वो वहाँ उसे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, और इस प्रकार से वह रोने लग जाता है, उन्हें लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है मदर फादर, और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसका चेहरा बिल्कुल डर कर के लाल हो जाता है, पैंट्स चिकन हो जाता है, और वह इधर पहले एक तरफ भागता है, फिर दूसरी तरफ भागता है, चारों तरफ वह जाता है, इधर उधर अपने पेरेंट्स को ढूंढने लग जाता है, और फिर एक तेज आवाज़ में रोने लग जाता है। और इस तरह से उसकी पीली पगड़ी खुल जाती है, उसके कपड़े जो हैं मिट्टी से भी सन जाते हैं, एंड क्लोथ्स बिकेम मडी, यानी उसके कपड़ों पर काफ़ी मिट्टी लग जाती है। वह काफ़ी देर तक इधर उधर भागता रहता है डर से, और उसके मन में काफ़ी डर होता है, वह काफ़ी घबराया हुआ होता है। और थोड़ी दूर पर उसे एक हरी कलर की घास दिखाई देती है, और उसे दिखता है कि जो उसकी जो रो रो कर धुंधली आंखें हो गई थी, वहाँ पर उसे एक मैन एंड वुमन दिखाई देते हैं, जो दोनों बात कर रहे होते हैं। उसने चमकीले पीले जो उसके कपड़े थे उसके टुकड़ों के बीच में से ध्यान से देखने का वहाँ पर भी वह कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर और मदर उसको दिखाई नहीं देते हैं। वे लोग बिना वजह हंसते और बातें करते हुए लगते थे, केवल हंसने और बोलने के लिए, यानी कि वो दोनों केवल मजाक कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं। वह जल्दी से भाग जाता है, और एक बार एक मंदिर की तरफ काफ़ी सारी उसे भीड़ दिखाई देती है, क्राउडिंग उसे दिखाई देती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हर हिस्से पर उसे भीड़ दिखाई देती है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की भीड़ के बीच में से भागता है, थोड़ा थोड़ा रोता रहता है। मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एक बार रोते रोते वह बहुत ज़्यादा भीड़ में चला गया जाता है, एक दूसरे को धक्का देते थे लोग जो थे, कुछ व्यक्ति जो थे बहुत भारी भरकम थे, उनकी आंखें चमकीली और डरावनी थी, वो बहुत मोटे भी थे। बेचारा बच्चा जो था उनके बीच में से धक्का मुक्की करता हुआ आगे जाने की कोशिश करता है, और उनकी जो जंगली हलचल थी उससे वह टक्कर खाता है, और उनके पैरों के नीचे कुचला भी वह जा सकता था यदि वह अपनी आवाज़ ज़ोर से नहीं लगाता, पिताजी माताजी। एक व्यक्ति जो भीड़ में आगे बढ़ रहा था उसे उसकी चीख सुनाई दी, और उसने बहुत मुश्किल से झुक करके उस बच्चे को उठा लिया, अपनी बाहों में ऊपर उठा लेता है और पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। वो कहता है हाउ डिड यू गेट देयर, यहाँ पर तुम कैसे आए चाइल्ड, बच्चे ने पूछा। जब वह भीड़ से बिल्कुल अलग हुआ, बच्चे अब पहले से ज़्यादा हुआ रो रहा था और चिल्ला रहा था कि मुझे माँ और पिताजी चाहिए। जो पर्सन था उसने जिसने बच्चे को उठाया था, व्यक्ति उस वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर सपेरा
बीन बजा रहा था, उस अच्छे संगीत को सुनो। वो कहता है कि ये जो सपेरा बीन बजा रहा है तुम इसे सुन लो। लेकिन बच्चे को वह बहुत बुरा लगता है, उसे उस म्यूजिक को सुनना उसे बहुत बुरा लगता है। और फिर वह चिल्लाता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। फिर उसे गुब्बारे के पास ले जाता है, लेकिन अब वो उसे गुब्बारे भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। वह व्यक्ति हर चीज़ के पास उसे लेकर के जाता है जो पहले उसे बहुत पसंद आ रही थी। जैसा कि आपको कहानी के शुरू में मैंने बताया कि हर चीज़ पर उसका मन था, फैसिनेटेड था वो। लेकिन अब जब वो खो चुका है, उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं हैं, तो वह कुछ भी लेना नहीं चाहता है। अब वह अननोन जो पर्सन है अब उसे गुब्बारों के पास लेकर के जाता है और कहता है कि क्या तुम ये लेना चाहते हो। लेकिन अब उसे ये अच्छे नहीं लगते हैं और वह मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे तो मेरे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने के लिए गेट के पास ले जाता है जहाँ पर फूल वाला बैठा था, फ्लावर सेलर जो था वो बैठा हुआ था, और कहता है लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, क्या तुमको इन फूलों में अच्छी खुशबू आ रही है। तब बच्चे को बिल्कुल भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वह बास्केट से बिल्कुल दूर हो जाता है और सॉब करता है और कहता है कि मुझे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे तो मेरे माता पिता ही चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, उस दुखी बच्चे को मिठाई दे करके खुश करने की बात सोचते हुए वह इंसान उसे कहाँ पर लेकर के जाता है, एक मिठाई के काउंटर पर लेकर के जाता है और कहता है कि तुम इनमें से कौन सी स्वीट लेना चाहोगे, कौन सी मिठाई आप लेना पसंद करोगे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप और सॉब्ड यानी कि वो सॉबिंग करता रहता है लेकिन मिठाई पर उसका कोई ध्यान नहीं होता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इस तरह से मेले में खो जाने वाले बच्चे की यह कहानी है जो मुल्क राज आनंद ने लिखी है। यदि आपको इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।